गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन आपके लिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न की निगाहों से दूर हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। मैं राजकुमार सिंह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम था टॉम। टॉम बहुत ही नटखट लड़का था, उसके माता पिता छोटी आयु में ही मर गए थे। उसका पालन पोषण उसकी आंटी पॉली करती थी। एक दिन टॉम अलमारी से मुरब्बा चुराया जिसके दंड स्वरूप उसे अवकाश के दिन चार दीवारी पर सफेदी करने का काम दिया गया। टॉम ने चालाकी से दीवार पर सफेदी स्वयं न करके अपने मित्रों से करा ली और बदले में उनसे उपहार भी लिया। टॉम एक दिन बीमार पड़ता है। आंट पॉली ने कई प्रकार से उसका उपचार किया, उसे दवाइयां दी। दवाइयां बहुत तीखी थी, टॉम उसे पसंद नहीं करता था और अंत में पॉली ने उस टॉम को प्रसन्न करने के लिए दवाइयां देना बंद कर दिया। तो चलिए इस लेसन के बारे में डिटेल से जानते हैं। चैप्टर वन, टॉम सावर, जिसे लिखे हैं मार्क ट्वेन, यहां से स्टार्ट करते हैं। टॉम नो आंसर। आंट पॉली दो बार उसको बुलाती है कि टॉम, कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर बुलाती है टॉम, कोई उत्तर नहीं मिलता। वेयर कैन ही बी, वह कहां हो सकता है, आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली खुद से पूछती है कि वह कहां हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे अवश्य यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे तक जाती है। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और बाग में देखती है। एंड देन शाउटेड अगेन, उसके बाद दोबारा उस आवाज दी टॉम टॉम, नो आंसर। फिर कोई उत्तर नहीं मिला। आगे लिख रहा है कि द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। थॉटफुली मतलब बूढ़ी औरत वहां खड़ी होकर के सोचने लगी। सडनली सी हियर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अकस्मात उसने पीछे से आवाज सुनी। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वह जल्दी से पीछे मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, टॉम अलमारी के दरवाजे के पास खड़ा था। देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, करा कि उसके पूरे मुंह पर जैम मतलब मुरब्बा लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क एंग्रीली, आंट पॉली ने गुस्से से कहा। When Tom did not answer, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। She went on, वह बोलती चली गई। You have been stealing the jam again, तुम फिर मुरब्बा चुरा रहे थे। Don't tell me that you haven't, यह मुझसे मत बताओ कि तुमने ऐसा नहीं किया। Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? Haven't I told you, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है 100 times, सैकड़ों बार। To keep away मतलब दूर रहने के लिए। From that cupboard, इस अलमारी से। Where is my stick, मेरी छड़ी कहाँ। Stick का मतलब छड़ी, मेरी छड़ी कहाँ है। Aunt Polly took her stick and raised it high, Aunt Polly ने अपनी छड़ी ली और उसको ऊपर उठाया। She was about to strike Tom hard, वह टॉम को जोर से मारने ही वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम। टॉम ने कहा कि आंटी पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली अपने पीछे देखी। देयर वॉज टॉम्स चांस, यहां टॉम के लिए अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, रस्ट आउट मतलब तेजी से बाहर भागा। वह तेजी से घर से बाहर भागा। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस,
वह चार दीवारी पर चढ़ा। सून ही वाज फार अवे, शीघ्र ही वह दूर चला गया। आंट पॉली वाज एंग्री बट सी हैड टू लाफ। लिखा है कि आंट पॉली नाराज थी किंतु उन्हें हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डीड सिस्टर्स अ बॉय, वह मेरी स्वर्गीय गरीब बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं मजबूरी के लिए, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसको दंड नहीं दूंगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विग्ड, तो वह आलसी और विग्ड मतलब दुष्ट हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे सख्त होना चाहिए। आंट पॉली साइटेड, आंट पॉली ने गहरी सांस ली, साइड मतलब गहरी सांस ली। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मैं उसे मुरब्बा चुराने की सजा दूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज सैटरडे एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है और शनिवार को विद्यालय नहीं होता है। द बॉयज हैव अ हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टर्म वर्क, लेकिन मैं टर्म से काम कराऊंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसकी सजा होगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, गांव के सभी लड़कों की छुट्टी थी। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, दिन बहुत सुहावना था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, धूप खिली हुई थी, पक्षी गाना गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, करा के जो पेड़ पौधे थे, फूल थे, बहुत सुंदर और ताजे दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम भी वास्तव में तैरने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, जैसा कि सभी लड़के जा रहे थे। आगे दिया है टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम घर से उदास मन से निकला। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में एक लंबा ब्रश पकड़ा था। एंड इन द अदर, और दूसरे में ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ व्हाइट वॉश, दूसरे हाथ में वह एक बाल्टी लिए था जिसमें सफेदी भरी थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम व्हाइट वॉश, उसकी जो आंटी थी वह उससे सफेदी करवा रही थी। द फेंस मतलब चार दीवारी की। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने उदासी से चार दीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, और यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने विचार किया। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards, वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई 9 feet थी और उसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश, टॉम ने अपने ब्रश को सफेदी में डुबोया। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने धीरे से चहारदीवारी पर एक लाइन खींची। इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, जिससे एक छोटा सा सफेद मार्क बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर प्रयास किया। अनादर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क,
फिर दूसरा सफेद निशान बन गया। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली। टॉम बैठ गया और उसने गहरी सांस ली। साइड हैवली मतलब गहरी सांस ली। ही टूक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स। कहा कि अपने जेब में उसने जितनी वस्तुएं रखी थी सबको उसने बाहर निकाल दिया। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग एंड टू और थ्री ब्रोकन टॉयज। उसमें क्या क्या रखा था? उसके पास कुछ मार्बल्स मतलब कंचे, जो गोलियां होती हैं शीशे वाली, जिसको कंचे बोलते हैं। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ छोटी छोटी रस्सियों का टुकड़ा रखा था। एंड टू और थ्री ब्रोकन टॉयज, और दो या तीन टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस ही थॉट। उसने सोचा कोई इन्हें लेकर सफेदी नहीं करेगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान। वह काम नहीं करना चाहता था, वह सोच रहा था कि मैं किसी और से काम करा लूं तो कर रहा है कि कोई सफेदी तो इन सब चीजों को लेकर करेगा नहीं, तो मुझे कुछ दूसरा आइडिया सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह बार बार सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसे एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगैन वर्किंग हार्ड। उसने पुनः अपना ब्रश उठाया और मेहनत से काम करने लगा। बेन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रॉजर्स उसका मित्र था जो गली में आ रहा था। कमिंग डाउन मतलब उसकी तरफ आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने बहाना किया कि वह बेन को नहीं देख रहा था। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बेन सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह प्रसन्न दिखाई पड़ा। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। वह बहाना कर रहा था कि जैसे कि वह एक बड़ी जहाज हो और जहाज की तरह डोल रहा हो। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस, वह जोर से आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उन आदेशों का पालन कर रहा था। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के निकट आया। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंख मली। वाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह आश्चर्य से चिल्लाया। क्यों टॉम, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, क्वेंटान का मतलब होता है जारी रखना, वह सफेदी करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत रुचि लेता दिखाई दे रहा है, वह अपने काम में बहुत रुचि ले रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने दोहराते हुए फिर कहा कि टॉम तुम काम कर रहे हो। ओ इट इज यू बेन, अरे बेन तुम हो, आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं तैरने जा रहा हूं। यू डोंट वॉन्ट टू कम, तुम नहीं चलना चाहते हो। डू यू, क्या तुम चलोगे। इसको देखिए, इसको टायर क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें होता है कि डू यू मतलब क्या चलोगे। You like working, don't you? तुम्हें काम अच्छा लगता है, don't you? या फिर नहीं अच्छा लगता है।